हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। तो बच्चों, इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम ऑड और इवन नंबर के बारे में कुछ बेसिक्स बातें और उनके फैक्ट्स भी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो इवन और ऑड नंबर्स। ओके, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, अलग से नोटबुक में लिख लिया है। ओके, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। राइट, ओके, नाउ हैव अ लुक। देखो बच्चों, असाइनमेंट नंबर 24 है ये आपका और हेडिंग है इवन एंड ऑड नंबर्स एंड देयर फैक्ट्स। ओके, तो बच्चों देखो, इवन नंबर क्या होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जिनकी वंस प्लेस पर क्या आ जाए, 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए। ठीक है, यानी जिनमें 2 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाता है वो इवन नंबर होते हैं, है ना। तो यहाँ मैंने जो लिखा हुआ है इसको देखो आप, द नंबर हुज वंस प्लेस इज, वो नंबर जिसका वंस प्लेस क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इनमें से कोई भी है, ठीक है, तो उसको कहेंगे इवन नंबर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखो, 72 में वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो ये क्या होगा, इवन होगा। इसमें 738 में वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये क्या होगा, इवन होगा। ऐसे यहाँ पे ये देखो कितना लिख रहा है, 4,326 लिख रहा है, इसमें वंस प्लेस पे आ रहा है 6, तो ये पूरा जो नंबर है ये क्या है, इवन है। ऐसे 78,930 में वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो ये इवन है। ओके, सिंपल है आपको पहचानना, किसी भी नंबर को आप पता कर सकते हैं कि वो इवन है कि नहीं है। ठीक है, दूसरे हैं बच्चों ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे द नंबर हुज वंस प्लेस इज नॉट, ठीक है, नॉट मतलब 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसके अलावा कुछ और है, ठीक है, इनमें से नहीं है, इनके अलावा कुछ और आ रहा है, तो वो ऑड होगा, कॉल्ड ऑड नंबर। जैसे 43 में वंस प्लेस पे क्या आ रहा है, 3, इनमें से कुछ भी नहीं आ रहा, इनसे अलग आ रहा है, यानी कि 3 आ रहा है, तो ये 43 ऑड हो जाएगा। ऐसे इसमें वंस प्लेस पे 7 आ रहा है, इसमें से नहीं है, तो ये भी ऑड हो जाएगा। ऐसे इसमें 9 आ रहा है तो ये भी ऑड हो जाएगा, और इसमें 1 आ रहा है तो ये भी ऑड होगा। ओके, वेरी सिंपल। चलो आप कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। देखो बच्चों, 0 इज एन इवन नंबर, तो 0 जो है वो क्या है, ऑड है या इवन है, 0 तो इवन नंबर है। ओके, मैंने बताया था वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 आ जाए तो, है ना, उस अगर डेफिनेशन को याद रखें तो 0 हमारा क्या होगा, इवन होगा। ठीक है, इवन नंबर है। अब यहाँ पे ये भी देखो, इवन प्लस इवन, अगर मान लो दो नंबर हैं हमारे पास, दोनों इवन हैं, तो उनको प्लस करने पर क्या आता है, ऑड नंबर आएगा या इवन आएगा, इवन आएगा। मतलब दो नंबर हैं उनको हमने ऐड किया, इवन प्लस इवन करेंगे तो इवन ही आएगा हमेशा। जैसे एग्जांपल पे 2 भी इवन है और 4 भी इवन है, दोनों को हमने ऐड किया क्या आया, 6 भी इवन है ना, यानी इवन इवन को प्लस करते हैं तो इवन ही आता है। ओके, और अगर मान लो एक इवन है और दूसरा ऑड है तो क्या आएगा, तो फिर ऑड आएगा। ठीक है, यानी कि देखो, 8 मैंने इवन लिया और 7 ऑड लिया, इवन प्लस ऑड, इवन नंबर यानी 8 प्लस ऑड नंबर यानी 7, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया 15 आया, 15 क्या है, ऑड है इवन, ऑड है, यानी कि दोनों में से अगर एक अलग अलग है, यानी एक इवन है दूसरा ऑड है, तो आंसर हमारा ऑड आएगा। ठीक है, अगर मान लो दोनों ही ऑड ऑड हों तो ये ऑड है बच्चों, ठीक है, क्या ये ऑड, ठीक है, ऑड प्लस ऑड करेंगे तो इवन आएगा, 3 प्लस 7, समझ में आ रहा है। जैसे 3 भी क्या है,
ऑड है, सेवन भी क्या है ऑड है, दोनों को हमने ऐड किया 10, तो क्या क्या आ गया, इवन आ गया है ना। तो देखो आगे, ये तो बच्चों एडिशन वाले फैक्ट्स रहे, ठीक है। इवन इवन पे इवन आता है, ऑड ऑड पे इवन आता है, ठीक है, और अलग अलग होता है तो क्या आता है, ऑड आता है। यानी आप ये ध्यान रखो कि जब एडिशन में अलग अलग आता है तो ऑड आता है हमारा आंसर, ठीक है। बाकी दोनों में सेम सेम में, इवन इवन इवन, ऑड ऑड इवन, और इवन और ऑड ऑड, ठीक है। अच्छा मान लो हम दो नंबर्स हैं हमारे पास, इवन और इवन, उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा इवन ही आएगा। जैसे 2 भी इवन, 4 भी इवन, मल्टीप्लाई किया 8 आया, 8 भी इवन, यानी इवन मल्टीप्लाई इवन करेंगे तो इवन नंबर ही आएगा। ऐसे ही इवन मल्टीप्लाई ऑड करेंगे तो भी इवन आएगा, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 6, मल्टीप्लाई में क्या आता है, 6 आता है ना। तो इस तरह से देखो, 3 तो हमारा हो गया ऑड और 2 हो गया इवन, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 आया, तो क्या आ रहा है, इवन ही तो आ रहा है। तो इस तरह से क्या होगा, इवन मल्टीप्लाई ऑड करेंगे तो हमेशा इवन नंबर ही आएगा, और अगर मान लो ऑड नंबर को और ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड आएगा, ठीक है। ओके, जैसे 3 मल्टीप्लाई 5 किया, 3 भी ऑड, 5 भी ऑड, मल्टीप्लाई किया 15 आया, और 15 भी ऑड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गए होंगे आई होप, और इस तरह से आपको ये अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने हैं और लर्न करने हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स और उनके फैक्ट्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर हम आपके एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो आपको बड़ी आसानी से आ जाएगी आपकी एक्सरसाइज, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय एंड टेक केयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।